केरल में आई भीषण बाढ़ की विभीषिकाओं में तबाह हुए केरल वासियों के सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और चेतना तिराहे से घर घर दुकान दुकान जाकर केरल वासियों के सहायतार्थ धन एकत्रित किया। धन इकट्ठा कर रहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि केरल में बाढ़ से जन धन की हानि हुई है और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम केरल को नए रूप में विकसित करेंगे तथा नया केरल बनाएंगे। वहाँ के नागरिकों की सभी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर और दुकान से सहायता राशि इकट्ठा करके वहां भेजने का काम करेंगे। ये अभियान 2 दिनों तक चलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव और युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह बड़े ने कहा, आइए इधर डब्बा लेके चलते रहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव समाज के हित में कार्य करने वाली पार्टी और हमेशा इस इशू पे लेके संवेदनशील रही है। केरल में जो भीषण त्रासदी आई है बाढ़, उसे लेकर के नेतृत्व ने यह तय किया कि पूरे देश में एक अभियान चला करके कि हम अपने सहयोग से और समाज के सहयोग से राशि इकट्ठा करके और केरल में भेजेंगे। इस निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के आदरणीय रजित राय बड़े जी और महानगर के संयोजक पवन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पे सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी एकत्रित होकर के आज गोलघर में यहाँ पे व्यापारी बंधुओं से आग्रह करके और सहयोग राशि मांग कर रहे हैं। और कल फिर युवा मोर्चा ने अभियान लिया है कि अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जो उनका प्रोसेस है उनसे लेकर के कार्यकर्ता पदाधिकारी निकल करके और सहयोग इकट्ठा करके और फिर यहाँ पे प्रदेश के माध्यम से नेतृत्व के माध्यम से केरल में भेजने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर क्षेत्र करेंगे युवा मोर्चा द्वारा केरल में 14 जिलों में से 13 जिले बाढ़ से पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सब के नेता नरेंद्र भाई मोदी ने इस बात को प्रण लिया है कि केरल को फिर से एक नया केरल बनाया जाए। उसमें सहयोग करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस सहयोग राहत केरल आपदा राहत अभियान के माध्यम से दुकान घर घर जाके दुकान दुकान जाके लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हम केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनसे सहयोग राशि को लेके जिला अध्यक्ष के खाते के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजकर केरल के में आए बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए आज का अभियान उन्होंने लिया है। ये अभियान आज हम लोग घर घर जाएंगे, दुकान दुकान जाके लोगों से सहयोग करने की अपील करेंगे। कल हम लोग अपने संबंधों के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे और सहयोग मांगेंगे। ये अभियान केवल 2 दिन चलने वाला है और आज और कल।